एक समय की बात है, सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी कुटिया में बैठकर नाम जाप कर रहे थे। तभी उनके पास एक सेठ आया और कहने लगा, महाराज जी मुझे नाम की दात दो। सतगुरु रविदास जी कहने लगे, संगत में आया करो, रंग लागत 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 है, ब्रह्म भागत 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 है। सेठ कहने लगा, महाराज जी मैं रोज नहीं आ सकता, आज भी बड़ी मुश्किल से दुकान से आया हूँ। धन जितना मर्जी ले लो, पैसा जितना मर्जी ले लो, पर मुझे अभी के अभी नाम दान दे दो। सतगुरु रविदास जी महाराज समझ गए कि इसके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा है धन का। तो महाराज जी कहने लगे, नाम दी दात चाहिए है ना, तो एक काम करो, एक बर्तन में दूध ले आओ। सेठ कहता, महाराज जी घर में दूध की कोई कमी थोड़ी है। वो गया और घर से एक बाल्टी दूध की भर के ले आया। उसके आने से पहले सतगुरु रविदास जी ने एक गंदा सा कटोरा लेकर अपने आगे रख दिया और सेठ से कहा कि दूध इस कटोरे में डाल दो। सेठ कहने लगा, महाराज जी कैसी बात करते हो, एक बार बर्तन को तो देखो कितना गंदा है, मलिन है, लगता है कितने दिनों से धोया भी नहीं है। सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ ना, तुम दूध को इसमें डाल दो। तो सेठ कहने लगा, महाराज जी दूध खराब हो जाएगा, पहले बर्तन को साफ करवा दो। सतगुरु रविदास जी कहने लगे, ये मेरा तीसरा वचन है, तुम दूध इस बर्तन में, गंदे बर्तन में डाल दो। सेठ कहने लगा, महाराज जी ये दूध कीमती है, खराब हो जाएगा दूध इसमें डालने से। सतगुरु रविदास महाराज जी मौज में आए और कहने लगे, सेठ तू दो कौड़ी के दूध को इस गर्तन गंदे बर्तन में नहीं डाल रहा है, मैं परमेश्वर का अमृत रूपी कीमती नाम तेरे मैले हृदय में कैसे डाल दूँ। इसके बाद सेठ को अपनी बात पर पछतावा हुआ और फिर वो नित्यनेम संगत में आकर नाम जाप करने लगा। दोस्तों, सतगुरु रविदास जी महाराज का उपदेश इतने भी मुश्किल नहीं है कि हम लोग समझ ना सकें। तो सतगुरु रविदास जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल बनाएं। अगर आपको ये उपदेश अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव, तान गुरुदेव जी।